हेलो दोस्तों, आइए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सीडी कमांड का यूज़, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर कमांड के द्वारा कैसे म्यूज़िक को ऑन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं कमांड मोड पर। दोस्तों, कमांड मोड पर जाने के मैंने सभी पे बता के रखे हुए हैं आपको। जिनको नहीं पता वो मेरी प्रीवियस वीडियो को विजिट करें, ज़रूर मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो आप लोग मेरे को कमेंट पर लिख कर बता सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, है ना दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं कमांड मोड पर। दोस्तों देखिए, मैं कमांड मोड पर आ तो गया हूँ। यहाँ पर लोकेशन क्या दे रहा है, C:\user/vivekr, है ना। तो ये क्या शो कर रहा है दोस्तों, सी ड्राइव के अंदर यूज़र है, यूज़र के अंदर विवेक आ रहा है ना। अब विवेक आर है ना, तो ये विवेक आर क्या है, यूज़र है ये, है ना। अब दोस्तों मैं बताता हूँ सी डी कमांड का यूज़ क्या होता है। दोस्तों सी डी कमांड का हम यूज़ लिनक्स में भी करते हैं। जो लिनक्स पढ़ते होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि सीडी कमांड का यूज़ कैसे करते हैं। तो दोस्तों हम विंडो के कमांड मोड पर भी सीडी कमांड चलाते हैं। सीडी कमांड दोस्तों किसी फोल्डर या डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए यूज़ की जाती है। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम ड्राइव पर चलते हैं। अभी मैं सी ड्राइव पर हूँ। मेरा जो भी डेटा, गाना, वीडियो, फोटो डला हुआ है वो मेरे लैपटॉप के ई ड्राइव पर डला हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ई ड्राइव पर चलता हूँ। तो ई ड्राइव पर जाने के लिए कुछ भी नहीं करना, मतलब दोस्तों जिस भी ड्राइव पर जाना है उस ड्राइव का नाम लिखकर और कॉलन का सिंबल लगा के एंटर करना। दोस्तों देखिए, अब मैं ई ड्राइव पर आ गया हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर देखना है कौन कौन से फोल्डर है, मैं कौन सी कमांड चलाऊंगा, dir। दोस्तों ये डायरेक्टरी का शॉर्ट फॉर्म होता है dir, यही कमांड भी होती है, ये कमांड है एक। तो मैं ये कमांड चलाता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे पर यहाँ पास इतना सब कुछ शो कर दिया, ठीक है दोस्तों। आइए हम देख लेते हैं कि मेरे पास कौन कौन से, देखिए दोस्तों 90 सॉन्ग, अलॉटमेंट लेटर, बेटू, भक्ति, भोपाल, सीडी डाउनलोड, है ना, ऐसे करके मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों अब मुझे देखिएगा, आप सीडी कमांड में बता दो दोस्तों मेरा सॉन्ग कहाँ पड़ा हुआ है। मान लीजिए मेरा सॉन्ग कहाँ गया, मेरा सॉन्ग पड़ा हुआ है मेलोडी सॉन्ग में, ठीक है। तो आइए मैं चलता हूँ मेलोडी सॉन्ग पर। अभी मैं कहाँ ई ड्राइव में हूँ, अब मुझे मेलोडी सॉन्ग पर जाना है। तो कैसे जाएंगे दोस्तों, सीडी कमांड। अब सीडी कमांड कैसे चलाते हैं दोस्तों, मैं सीडी कमांड चलाता हूँ, स्पेस देता हूँ और उसके बाद फोल्डर का नाम लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, मेलोडी सॉन्ग्स, ठीक है। आइए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर मैं मेलोडी सॉन्ग के अंदर आ गया हूँ। अब मैं उसके बाद इसे फिर से इसके अंदर कितने गाने हैं वो मैं शो कर देता हूँ। तो DIR मैंने किया तो शो कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, मुझे कमांड चलाना है तो मैं बताता हूँ कैसे कमांड चलाते हैं ना। तो दोस्तों अब मान लीजिए मुझे कोई भी सॉन्ग प्ले करना है, इसमें से दो सॉन्ग आपको प्ले करके एक ही प्ले करके दिखा देता हूँ। एक बताऊँ या दो बताऊँ, बात तो एक ही है, आपने एक कर लिया तो शो कर ली, है ना। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले चलते हैं। मैं ये देखिएगा दोस्तों, मेरा कर्सर देखिएगा कहाँ पर है, मैं कौन से सॉन्ग को प्ले कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर है ये 07- कितना पागल दिल, है ना। तो दोस्तों ये वाला सॉन्ग मैं प्ले करके बताता हूँ आप लोगों को, है ना। तो दोस्तों मैं सब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मुझे गाने का नाम देना है बस, है ना। 07 लिखा मैंने, स्पेस नहीं है, ये लगाया और उसके बाद ये लिखा मैंने। देखिए दोस्तों मैंने लिखा और उसके बाद पागल इस पे दिल, कुछ हाँ दोस्तों एक गलती हो गई, और देख लेता हूँ दोस्तों कोई गलती तो नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक्सटेंशन देता हूँ। एक्सटेंशन दोस्तों मतलब फाइल का टाइप, फाइल किस टाइप की, MP3 है, MP4 है, डॉट डॉक्यूमेंट है, डॉट PDF है, जो भी है ना। तो मेरा MP3 है तो मैं MP3 में चला रहा हूँ दोस्तों। अभी दोस्तों सिर्फ मैं MP3 का बता रहा हूँ, है ना। तो देखिए मैं प्ले करता हूँ दोस्तों, ये कुछ एरर दे रहा है, मैंने क्या गलती की है। कुछ तो मिस्टेक हुआ है दोस्तों, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। आइए दोस्तों मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ दोस्तों मैंने यहाँ पर ये नहीं लगाया, ठीक है
देखिए दोस्तों, मैं फाइल का नाम देखिए प्ले हो चुका है ना। तो दोस्तों आप लोगों ने जैसा भी देख भी लिया होगा तो मैंने प्रैक्टिकली प्ले करके भी बता दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिए दोस्तों, आप लोग अप्रिशिएट करेंगे तभी मेरा मन लगेगा कि नहीं यार मैं सही नॉलेज दे रहा हूँ तो लोग मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर।